और सोशल अड्डा पर नोएडा के हेल्प बटन की बड़ी चर्चा है। दिल्ली के कंजावला मामले के बाद महिलाओं की हिफाजत पर चर्चा गर्म है। इस बीच नोएडा अथॉरिटी ने सुरक्षा के मुद्दे पर एक पहल की है। आपको बता दें, इसके तहत शहर के 76 लोकेशंस पर SOS इमरजेंसी बॉक्स लगाए गए हैं। अथॉरिटी ने बताया कि शहर के मेजर ट्रैफिक प्वाइंट्स पर अगर कोई इमरजेंसी आती है तो कोई भी व्यक्ति बॉक्स पर लगे हेल्प बटन को दबाकर मदद ले सकता है। लेकिन बात केवल महिलाओं की हिफाजत तक सीमित नहीं है। अगर इन ट्रैफिक प्वाइंट्स पर किसी भी व्यक्ति के साथ सड़क हादसा हो जाए, तबीयत खराब हो जाए या फिर कोई और इमरजेंसी आ जाए तो उसे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां लगे इमरजेंसी बॉक्स का हेल्प बटन दबाने की आपको जरूरत है। ऐसा करने से आप सीधे कमांड कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर से कनेक्ट हो जाएंगे, जिसके बाद आप बॉक्स में लगे स्पीकर के जरिए ऑपरेटर से बात कर पाएंगे। कमांड कंट्रोल रूम ऑपरेटर आपसे पूरी जानकारी लेने के बाद उस इलाके में तैनात पुलिस वाले को फोन करेगा। इस तरह से आप तक मदद पहुंच जाएगी। नोएडा अथॉरिटी के SOS इमरजेंसी बॉक्स का हमने रियलिटी चेक भी किया है। गुड न्यूज टुडे संवाददाता मनीष चौरसिया जब सेक्टर 25 पहुंचे तो देखिए वहां ये सुविधा कैसे काम कर रही है। नोएडा कमांड कंट्रोल सेंटर में आपका स्वागत है। सर, मैं ये सेक्टर 25 के चौराहे पर हूँ, थोड़ी हेल्प चाहिए मुझे। जी सर, बताएं। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है सेक्टर 25। जी जी सर जी, तभी आप क्या कर सकते हैं फिर? एक सेकंड में सर, वहाँ पे सेक्टर 25 चौराहे पर। जी जी ठीक है सर, मैं कांटेक्ट पुलिस को भेजता हूँ कांटेक्ट करके। ठीक है सर, ठीक है। जो अनाउंसमेंट हुआ उसको सुन के आए आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर ये नहीं होता है तो फिर वो फोन भी करते हैं क्या आसपास, मतलब कैसे इन्फॉर्म करते हैं? हाँ, वो रिकॉर्ड रहता है ना पूरा का, ड्यूटी चार्ट रहता है कि इसमें कि इस पॉइंट पर, जैसे जलवायु विहार पॉइंट है तो यहाँ पर किसकी किसकी ड्यूटी है, ड्यूटी है उसको फोन भी कर देते हैं, उसे फोन भी कर देते हैं। अच्छा, तो आपको फोन भी आया? नहीं नहीं, फोन नहीं आया, उनको आया जिनकी ड्यूटी। हाँ हाँ, अभी आ गया कंट्रोल का। देखिए, उठाई 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 स्पीड वाले स्पीकर पे। हेलो सर, कुछ वहाँ पे घटना है क्या सर? नहीं, यहाँ पर ये अभी आज तक वाले हैं। मैं मनीष बोल रहा हूँ और मैं मीडिया से हूँ। मैं डेमो चेक कर रहा था कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है ये। जी सर, सही से काम कर रहा है सब कुछ। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये देखिए, हमने वहाँ से हेल्प का बटन दबाया, यहाँ पर स्पीकर्स लगे हुए हैं, उनसे अनाउंसमेंट हुआ कि जो भी पुलिसकर्मी इस चौराहे के आसपास हैं वो देख ले कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। हमने एक्सीडेंट की ही बात वहां पर कही थी, उसी को लेकर हमने हेल्प मांगी थी। और तुरंत यहां पर हमारे पास एक पुलिसकर्मी पहुंचते हैं, हमसे बात करते हैं, और उसी बीच इनके पास कमांड सेंटर से इनके फोन पर भी कॉल आता है कि आपके इलाके में ऐसा कुछ हुआ है, आप देख लीजिए।